Hello, I am Sanjay Mittal and I am chartered accountant and taking the queries of a layman. The queries are regarding GST which faces by small traders in day-to-day life. GST returns उन व्यापारियों के लिए जिनकी सेल 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है मंथली बेसिस पे फाइल करनी होती है, जिसमें दो फॉर्म्स हैं जिसमें रिटर्न्स जाती है, एक GSTR 1 जिसमें कि सप्लाई की डिटेल जाती है और एक GSTR 3B जिसके अंदर पेमेंट की डिटेल जाती है और ITC के बारे में लिखना होता है, मेंशन करना होता है। उन व्यापारियों की जिनकी 5 करोड़ से सेल कम है उनको अपनी रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करनी होती है, लेकिन GSTR 1 की जगह IFF मंथली बेसिस पे ही फाइल करना होता है। 3B जो पेमेंट के लिए है उसे हम क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं, लेकिन टैक्स मंथली पे करना पड़ता है। GST रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है तो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर उसके बाद उसमें बैंक नंबर अपडेट करके रजिस्ट्रेशन बैंक को देंगे, लेकिन अगर नंबर की ज़रूरत नहीं है तो आप उसके बिना भी करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट GST में हर महीने करना होता है और 3B में इंटीमेट क्वार्टरली बेसिस पे करना होता है, लेकिन उन डीलर्स को जिनकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है उनको 3BB मंथली बेसिस पे फाइल करना होता है। व्यापारियों को CA उस केस में CA की सर्विसेज लेनी चाहिए जहां उनको टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, इनकम टैक्स पोर्टल पे वे खुद जाके सप्लाई की डिटेल्स नहीं फाइल कर सकते, उन लोगों को CA की हेल्प Day 1 से लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जिनको टेक्नोलॉजी का आइडिया है, इनकम टैक्स GST पोर्टल पे काम कर सकते हैं, उनको CA की हेल्प इनिशियल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस कंप्लाइंस CA को एंगेज कर लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचा जा सके और किसी भी तरह की नॉन कंप्लाइंस ना हो। GST के अंदर पेनल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए सब चीज़ें कंप्लाइंस जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए। GST पोर्टल पर एक कैश रजिस्टर होता है और एक क्रेडिट रजिस्टर होता है। व्यापारी कैश रजिस्टर के अंदर अपना टैक्स पे करके उसको एडजस्ट कर सकता है अपनी GST लायबिलिटी के अगेंस्ट में, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने परचेजेस के टाइम पे दूसरे व्यापारियों को दिया है उसका क्रेडिट GSTR 3B के थ्रू वो अपने क्रेडिट लेजर में पहुंचा सकता है और उसका क्रेडिट भी वो क्लेम कर सकता है विद हिज GST लायबिलिटी। कुछ क्रेडिट्स ऐसे हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कार से रिलेटेड कोई भी खर्चा, कार का लोन, कार के ख़रीदने पे जो ITC पे किया जाता है वो, कार रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे, फूड रिलेटेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अगर किसी व्यापारी ने GST नंबर लिया है और अब बिज़नेस बंद कर दिया है तो उसको GST पोर्टल पे जाके डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट ही हैज़ क्लोज्ड डाउन हिज बिजनेस, और एक तरह से कहा जाए अपनी कैंसिलेशन एप्लीकेशन, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। उस डेट के बाद उसको फर्दर रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट व्यापारी को बुला सकता है जो पुरानी रिटर्न्स के बारे में, पुराने टैक्स पेमेंट के बारे में, उसके बारे में कोई जानकारी अगर डिपार्टमेंट को चाहिए तो वो ले सकता है। अदरवाइज़ उसकी पूरी स्क्रूटनी करने के बाद GST डिपार्टमेंट व्यापारी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है और उसका बिजनेस बंद करने के बाद उसको यही प्रोसेस अपनाना चाहिए। इस प्रोसेस में कई बार काफ़ी टाइम भी लग जाता है,
क्योंकि जीएसटी अथॉरिटीज़ और कामों में व्यस्तता की वजह से इस चीज़ को नहीं देख पाते, लेकिन व्यापारी ने अगर एक बार कैंसिलेशन एप्लीकेशन डाल दी तो उसके बाद उसको फर्दर रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी व्यापारी ने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है और उसके कुछ समय बाद वो अपना बिज़नेस दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो उन्होंने पहले अप्लाई किया होगा उसी बेसिस पे वो अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी अथॉरिटीज़ के साथ दोबारा ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, हमेशा ये पैन नंबर से बिलोंग करता होता है। इसके फर्स्ट टू डिजिट स्टेट के होते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन डीलर ने किस स्टेट में लिया है, जैसे 07 ये दिल्ली का कोड है, उसके बाद पैन नंबर होता है, उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट का एक कोड होता है जिससे ये पता लगता है कि इसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है या सेकेंड रजिस्ट्रेशन है। कई बार हम लोग पहले सरेंडर कर देते हैं फिर दोबारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो उसके लिए वो अलग लास्ट के डिजिट्स में चेंजेस होते हैं। अगर कोई व्यापारी इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करता है तो इंपोर्टेड गुड्स पे उसको कस्टम ड्यूटी के अलावा IGST भी पे करना पड़ता है। ये बात गुड्स के केस में एप्लीकेबल होती है, लेकिन सर्विसेज के केस में भी उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे GST पे करना पड़ता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब उसने सर्विसेज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली हो। बिजनेसमैन जो कि रजिस्टर्ड हैं GST अथॉरिटीज़ के साथ, उनको टैक्स इनवॉइस बनानी पड़ती है अगर वो B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। B2B ट्रांजैक्शन मींस बिजनेस टू बिजनेस। अगर वो एग्जम्प्टेड गुड्स बेच रहे हैं तो उन्हें बिल ऑफ सप्लाई बनाना पड़ता है जो कि टैक्स इनवॉइस से बिल्कुल डिफरेंट है। जब कोई बिजनेसमैन एडवांस रिसीव करता है तो एक डॉक्यूमेंट उसको जनरेट करना पड़ता है जिसका नाम है एडवांस रिसीट। एडवांस के केस में अगर एडवांस सर्विसेज के अगेंस्ट में लिया हो तो टैक्स एडवांस कलेक्ट करते टाइम ही जमा कराना होता है, लेकिन ऐसा गुड्स के केस में नहीं है। गुड्स के केस में एडवांस रिसीव करने पर कोई टैक्स उस वक्त नहीं जमा कराना पड़ता, जब एक्चुअल सेल होती है तभी जमा कराना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है डिलीवरी चालान। अगर अभी सेल नहीं हुई और सिर्फ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही हैं तो डिलीवरी चालान बनाया जाता है अलॉन्ग विद ईवे बिल। ईवे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होता है और वो तभी बनता है जब 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू गुड्स की हो। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल्फ इनवॉइस। सेल्फ इनवॉइस तब बनाया जाता है जब हमें RCM में व्यापारी को या बिजनेसमैन को टैक्स देना है, वो सेल्फ इनवॉइस बनाता है और उसके बेसिस पे टैक्स पे करता है। उस टैक्स का लेकिन उसको इनपुट क्रेडिट मिल जाता है जिसे हम ITC कहते हैं नॉर्मल भाषा में, और उसको GSTR 3B भरने के टाइम पे व्यापारी अपने क्रेडिट लेजर में उसको इन्फॉर्म करता है GST अथॉरिटीज़ को। GST के अंदर जनरली फॉरवर्ड चार्ज में व्यापारी को टैक्स चार्ज करना होता है और पे करना होता है, लेकिन इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है उन व्यापारियों को जिन्होंने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया है। उस केस में ये तब होता है जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लगता है कि कुछ जगह पे सप्लायर ऑफ सर्विसेज से टैक्स लेना मुश्किल होगा, तब उन्होंने लॉ में इस तरह का प्रावधान किया है कि सर्विस रिसीवर उस टाइम पे टैक्स देगा, और इस कंसेप्ट को हम RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के टाइम पे जो ITC पे किया जाता है उसका क्रेडिट हमें तभी के तभी मिल जाता है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू कलेक्ट करने में आसानी रहती है।
जीएसटी में बिजनेसमैन को जब टैक्स इनवॉइस बनानी होती है तो अगर विद इन स्टेट्स गुड्स और सर्विसेज बेची जा रही हैं तो उसमें हम सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं, लेकिन अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई आउटसाइड द स्टेट है तो बिल के अंदर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेस ऑफ सप्लाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी में, जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए व्यापारी या बिजनेसमैन को सीए की हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ गलती होती है तो उसका पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स में काफ़ी प्रॉब्लम एक फ्यूचर डेट पे व्यापारी को आ सकती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। वी होप वी हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स एंड मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू जीएसटी। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो अस ऑन सिटी स्पाइडी। थैंक यू।